शर्ट कितने कपड़े में बनाते हैं उसकी जानकारी देते हैं। तो आपको कटिंग करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले आपको इन स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी और फिर आपको कैंची की ज़रूरत पड़ेगी और मिल्टन चौक और आपको टेप पट्टी चाहिए और एक पेमेंट भी, ठीक है। इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी और उसमें आप शर्ट कटिंग करोगे तो उसके लिए आप 2 से 2.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। आप मेजरमेंट किस प्रकार लेते हो, सबसे पहले हम मेजरमेंट में शर्ट की लंबाई नापते हैं, ठीक है। और लंबाई कहाँ से नापते हैं, ये शोल्डर होता है ना उसके पास से नापते हैं, शोल्डर के पास से नापते हैं। लेंथ किस प्रकार रखते हैं हम, अपने कस्टमर के हिसाब से, किसी को शॉर्ट पसंद होती है किसी को लॉन्ग, ठीक है। तो इन्हें कितनी बनवानी है, 24 इंच, ठीक है। फिर आप लंबाई नापने के बाद इनका सीना नापते हो, ठीक है। सीना जब आप नापोगे तो इसको बिल्कुल फिटिंग नापना है, जब आप सीना नापोगे तो आपको बिल्कुल फिटिंग नापना है। इनका है 30 इंच, ठीक है। और शर्ट में फिर क्या नापते हैं, कमर फिटिंग के लिए इनकी 26 इंच कमर है। और इसके बाद हम इनके नापते हैं सीना, इनका तीरा है 13 इंच, इनका तीरा है 13 इंच। फिर हम इनकी बाजू नापते हैं, तो बाजू आप जब नापोगे तो आप इनका हाथ सीधा करा लोगे। और किस प्रकार नापते हैं, यहाँ आप शोल्डर पे रखोगे और अंगूठे तक नापना है। जो आप शर्ट के लिए आसनी बनाते हो तो आप सूट की तो यहाँ तक नापते हो या आप यहाँ तक नाप सकते हो, लेकिन आप जब शर्ट की कटिंग करोगे तो उसके लिए आसनी जो आप कटिंग करते हो उसके लिए आप अंगूठे तक नापोगे। तो कितनी हुई इनकी, 24 इंच, ठीक है। उसके बाद इनके आप कब नापते हो, कब बनाते हैं 9 इंच के, 9 या 9.5। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हमें आधी स्लीव बनानी होती है तो हम फिर से नापते हैं, किसी को 13 इंच आती है किसी को 10 इंच, ठीक है। इनको 10 इंच आती है, मोरिया इनकी 13 इंच। इस प्रकार आपको सभी का मेजरमेंट लेना है, ठीक है। और कॉलर जो होते हैं आपके, वो छोटे बच्चे के तो 12 इंच के होते हैं और बड़े जो फुल साइज के होते हैं उनके होते हैं 16 इंच के। मीडियम साइज जो होती है उनकी 15 इंच के कॉलर बनाते हैं, ठीक है। फिर आप उसकी ड्राफ्टिंग करोगे।